23 अप्रैल 1564 को एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कह दिया जिनकी कृतियों का विश्व की समस्त भाषाओं में अनुवाद हुआ। यह लेखक थे शेक्सपियर, जिसने अपने जीवन काल में करीब 35 नाटक और 200 से अधिक कविताएं लिखीं। साहित्य जगत में शेक्सपियर को जो स्थान प्राप्त है, उसी को देखते हुए यूनेस्को ने 1995 से और भारत सरकार ने 2001 से इन दिनों को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसी परंपरा को देखते हुए आज पूरे विश्व में पुस्तक दिवस मनाया गया। वहीं पुस्तक दिवस के अवसर पर बच्चों से बात की गई तो उनका कहना था कि पुस्तकों को अपना दोस्त समझिए, पुस्तक आपसे कुछ कहेंगी नहीं बल्कि ज्ञान ही देंगी। और आज विश्व पुस्तक दिवस है, ये पूरे ही वर्ल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज हम सब पुस्तकों से एक दिन ऐसा चुना गया जिससे हम जुड़ सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश साहित्य का देश है, यहाँ पे वेद हैं, उपनिषद हैं। तो मैं सभी से बोलूँगा कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि पुस्तकें जो हमें मैसेज देती हैं, जो ज्ञान देती हैं, वो ज्ञान का कोई और अभी सब्स्टिट्यूट कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता है। आप सब अपने नाम के साथ बताओ। मेरा नाम मीनल सिसोदिया है और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पुस्तकों को अपना दोस्त बनाइए। पुस्तकें आपसे कुछ नहीं करेंगी, बस आपको ज्ञान देंगी और आपकी ज़िंदगी का महत्व समझाएंगी। पुस्तकें आपकी ज़िंदगी बना सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को आप अपना हौसला बना सकते हैं। जब भी मैं लाइब्रेरी में आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब बुकों के बीच में आता हूँ तो मुझे शांति सी मिलती है। और जब मैं टेबल पर बुक रख के शांति में पढ़ता हूँ तो मुझे एक इंटरेस्ट सा आता है बुक में, और जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है मैं सब भूल जाता हूँ और उस बुक में डूब जाता हूँ बिल्कुल, और अच्छे से पढ़ता हूँ। और मुझे जो नॉलेज मिलती है ना, उसको मैं पूरे दिन तक याद करता हूँ। और मैं रात में सोते समय से पहले सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या आज मैंने बुक से क्या क्या नॉलेज गेन करी। और बुक से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, और किसी चीज़ से हमको मिल भी नहीं सकती। और आजकल अब इस ज़माने में बुक बहुत लोग कम पढ़ते हैं, लोग नेट खोलते हैं और उस पर बुक खुल जाती है पूरी और बुक पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो मज़ा बुक पढ़ने में वो इंटरनेट में नहीं है, और इंटरनेट से हमको इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारी आइज़ पर। तो इसलिए हमको लाइब्रेरी में आके बुक पढ़नी चाहिए। मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप लाइब्रेरी पुस्तकालय में आके बुक पढ़िए।